गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई एम योर साइंस टीचर रंजीता मैम। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 12 क्वेश्चन आंसर। ओके, सॉरी नॉट क्वेश्चन आंसर, वी हैव कंप्लीट द फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड ट्रू और फॉल्स। ओके, आई होप यू ऑल्सो डन इट, इट इज मैच द कॉलम। ओके, आपने बनाया होगा, मैं ऐसा करती हूँ कि आपने बनाया हो। इट इज़ वेरी सिंपल एंड सो ईजी। ओके, नाउ टुडे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम चैप्टर 12। ओके, नाउ ओपन योर फेयर कॉपी। ओके, ओपन योर फेयर कॉपी, राइट द डेट ऑफ टुडे। टुडेज डेट इज 3 अक्टूबर 3:10। ओके, आप वहाँ पे भी लिख सकते हो जहाँ आपने हार्ड वर्ड लिखा है, उसके जस्ट नीचे भी आप लिख सकते हो। अदरवाइज आप फ्रेश पेज में चैप्टर नेम लिख के चैप्टर 12 वेदर एंड सीजन्स वहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, नेम द 3 मेन सीजन्स ऑफ अ ईयर। ठीक है, एक साल में कौन से मेन मुख्य जो ऋतुएं हैं वो कौन से हैं साल में, वर्ष के। ओके, द आंसर इज द 3 मेन सीजन ऑफ अ ईयर आर फर्स्ट समर सीजन, सेकेंड रेनी सीजन एंड थर्ड विंटर सीजन। ओके, तो साल में, वर्ष में आपके 3 जो ऋतुएं हैं, मुख्य ऋतुएं, वे गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एंड क्या है, शीत ऋतु। ठंड की जो मौसम होती है उसे शीत ऋतु कहते हैं हिंदी में। ओके, विंटर सीजन। ओके, नाउ लेट्स वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, विच सीजन इज द बेस्ट टू इंजॉय आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ऐसा कौन सा सीज़न है, सबसे अच्छा सीज़न, जिसमें हम इंजॉय कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं आइसक्रीम का और कोल्ड ड्रिंक का। एवरी वन नो दैट, बट वी ऑल्सो राइट हेयर, आपको पता है बट यहाँ लिखना भी है आपको। ओके, आंसर, समर सीज़न इज़ द बेस्ट टू इंजॉय आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। आप समर सीज़न में ही आइसक्रीम खाओगे ना, ठंड में तो खाओगे नहीं, है ना। ठंड में खाने से क्या होगा, खांसी हो जाएगा, कफ एंड कोल्ड की शिकायत हो जाएगी आपको। सो समर सीज़न इज़ द बेस्ट टू इंजॉय आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, विच 4 थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द वेदर। ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो कि हमारे मौसम में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, द आंसर इज द 4 थिंग्स आर द सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द वेदर। ये 4 चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, सन, सूर्य, विंड, हवा, बादल एंड वर्षा। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो हैं वो हमारे मौसम में परिवर्तन लाते हैं, मौसम को चेंज करते हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स वी सी 4th क्वेश्चन, डिस्क्राइब मानसून सीज़न। मानसून सीज़न के बारे में आपको बताना है। ठीक है, डिस्क्राइब करना है, विवरण देना है, मतलब थोड़ा लंबा लिखना है आपको, उसके बारे में समझाना है। ओके, लेट्स वी सी आंसर, द रेनी सीज़न इज़ ऑल्सो कॉल्ड मानसून। तो मानसून का जो सीज़न है वो किसे कहा जाता है, रेनी सीज़न, वर्षा ऋतु को ही मानसून का सीज़न कहते हैं। ओके, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर आर द मंथ व्हेन
इट कम्स, तो ये कब आता है? जुलाई अगस्त एंड सितंबर के महीने में आता है। पीपल वेयर रेन कोट्स एंड यूज अम्ब्रेलास टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन। लोग जो हैं रेन कोट अम्ब्रेला यूज़ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ओके, द प्लांट्स एंड ट्रीज टर्न ग्रीन, और पेड़ पौधे जो हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स वी सी फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, व्हेन डू चिल्ड्रन स्प्लैश इन पडल्स। ओके, चिल्ड्रन जो हैं वो स्प्लैश कब करते हैं पडल्स में? ठीक है, कब करते हैं? व्हेन चिल्ड्रन स्प्लैश इन पडल्स इन वाटर इन रेनी सीजन, तो पडल्स में वो छपाछप कब करेंगे? जब वर्षा होगी ना। सो चिल्ड्रन स्प्लैश इन पडल्स इन वाटर इन रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में वर्षा ऋतु में वे छपाछप करते हैं। ओके, आई होप ऑल द क्वेश्चन आंसर यू कैन सी क्लियरली एंड यू शुड बी राइट इन योर कॉपी इट इज़ ऑल्सो। ओके ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड लर्न द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर थर्टीन जो है वो आपका रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग रॉक्स के बारे में, पत्थरों के बारे में और खनिज के बारे में, ये मुख्यतः क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पे। ओके, एंड इट इज़ योर होमवर्क, इसे आप यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे बनाना है, आपको सीज़न के नेम लिखना है, थ्री मेन सीज़न है आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, इट इज़ एक्टिविटीज़ एंड फन टाइम है। देखिए यहाँ पे, यहाँ आपको क्या करना है, पिक्चर दिए हुए हैं, बस आपको ढूंढ कर लिखना है कि कौन सा सुटेबल वर्ड कहाँ जाएगा। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंड यू। ओके, इट इज़ वेरी ईजी एंड आई होप यू इन्जॉय इट फॉर डूइंग। आप इसे बनाइए और इन्जॉय करिए। ओके, खेल खेल में बहुत सी चीज़ें आप सीख सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है, आप इनका पिक्चर भी बना सकते हो कॉपी पे और लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक्टिविटीज़ कुछ करना है तो। ओके, नाउ टुडे इज़ इनफ, टुडे वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।